हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो बहुत सारे लोग जो है कल शाम से मुझे क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर हमारा बीपीएससी का फॉर्म भर नहीं पा रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही। तो देखो, ये ऐसे ही छात्र क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो लोग मेरी वीडियो को रेगुलर नहीं देखते हैं। आप लोगों को मैंने कल ही आपको सुबह ही बता दिया था कि 36 घंटे तक बीपीएससी का जो सर्वर है वो मेंटेनेंस पर लगा हुआ है और 36 घंटे तक कोई भी फॉर्म वगैरह आप नहीं भर पाएंगे, कुछ भी नहीं होगा बीपीएससी पर इस समय। तो आप लोगों को अगर फॉर्म भरना है तो उसके लिए आपको कल तक का इंतजार करना होगा। कल 20 तारीख के शाम से आप लोगों का जो फॉर्म है वो भरना स्टार्ट हो जाएगा। आप सभी लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं अपीयरिंग को लेकर के, किस क्या सर अपीयरिंग को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि कल से जो छात्र हैं सीटेट के अपीयरिंग वाले वो धरना भी करने वाले हैं बीपीएससी के सामने। तो ऐसे में बहुत सारे छात्र हैं उनको यही लग रहा है कि सर अब लास्ट डेट भी 17 तारीख को समाप्त हो गई है, तो क्या हम लोगों को मौका मिलेगा या मौका नहीं मिलेगा। तो इन सभी चीजों पर हम लोग बात करेंगे। फिलहाल अगर आप लोग चैनल पर नए तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को आप जरूर दबा दीजिए। बाकी हम आप बात कर लेते हैं सीटेट अपीयरिंग को लेकर। तो देखो यार, बीपीएससी का रूल ही यार अनोखा है। मैं आपको बताऊं, कोई भी रूल बनता है, कोई रूल रेगुलेशन होता है तो वो हमेशा के लिए लागू होता है। बीपीएससी ने अभी इसके पहले जो सातवें चरण की बहाली हुई उसमें सीटेट को मौका दिया गया, सीटेट अपीयरिंग को मौका दिया गया, इसीलिए जो छात्र थे उनको ये लग रहा था कि जो अगली भर्ती आने वाली है उसमें भी अपीयरिंग को मौका दिया जाएगा, क्योंकि जूनियर लेवल की भर्ती आई है। जाहिर सी बात, अगर एस्टेट कोई छात्र नहीं पास है, एस्टेट 2 नहीं पास है, सीटेट पास है लेवल 2 का, 6-8 में फॉर्म भरना चाह रहा है, या बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो अभी तक प्राइमरी का ही फोकस किए थे, क्योंकि इसके पहले जो वैकेंसी आई थी वो प्राइमरी की वैकेंसी थी, तो लोगों ने सीटेट प्राइमरी पर फोकस किया, सीटेट का प्राइमरी निकाल लिया, जूनियर पर फोकस नहीं कर पाए, जूनियर वो नहीं पास कर पाए किसी ना किसी रीजन से। तो ये उम्मीद था कि इस बार भी जूनियर को जो है मौका दिया जाएगा जो अपीयरिंग वाले कैंडिडेट है, बट बीपीएससी ने ऐसा नहीं कहा। फिलहाल बीपीएससी के चेयरमैन से जब इस पर पूछा गया कि क्या आप अपीयरिंग को मौका दे रहे हैं, तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि नहीं भाई, हम अपीयरिंग को मौका इस बार तो अभी नहीं दे रहे हैं फिलहाल, लेकिन अगस्त में हम हर बार वैकेंसी लाएंगे। फिलहाल अगस्त कब आए, कैसी वैकेंसी आए, कितने पदों पर वैकेंसी आ रही, वो बाद की बात है। ऐसे में जो छात्र हैं वो परेशान हैं और वो ये कह रहे हैं कि आज के बाद यानी कल से 20 तारीख से वो लोग जो है धरना देने वाले हैं बीपीएससी को सामने, क्योंकि बीपीएससी को उन्होंने ऑलरेडी बता दिया कि अगर आप 19 तक हम लोगों को मौका नहीं दे रहे हैं तो 20 तारीख तक हम धरना देंगे और आप फिर से जो है पोर्टल को ओपन करिए, फिर से हम लोग का आवेदन लीजिए। तो फिलहाल मैं अगर अपने तरफ से बताऊं अपीयरिंग को लेकर के, तो मुझे नहीं लग रहा है कि अपीयरिंग को मौका अब देंगे, क्योंकि बीपीएससी जो है पेपर करवाने के लिए बिल्कुल तैयारी कर रही है। वो 7 दिसंबर से पेपर जो है 100% शुरू करवाना चाहती है, इसीलिए जो है वो सारी शेड्यूल पहले से ही जारी कर दिया है कि हम एक हफ्ते पहले एग्जाम सिटी सभी को बताएंगे और 3 दिन पहले हम लोग एडमिट कार्ड को जारी करेंगे। तो मेरे हिसाब से नहीं लग रहा कि सीटेट अपीयरिंग को मौका मिलेगा, लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर आप सीटेट अपीयरिंग है, अभी आप जूनियर और प्राइमरी नहीं पास हैं, तो आप लोग बिल्कुल तैयारी करिए, क्योंकि सीटेट में भी ज्यादा समय नहीं है, सीटेट में ही बस कुछ ही दिन बचे हैं। तो आप लोग सीटेट की अगर तैयारी कर रहे हो तो उसको करिए, ताकि अगस्त में जो वैकेंसी आए फिर आपको ये देखना ही न पड़े, आपको मुझसे कभी पूछना ही न पड़े कि अपीयरिंग को मौका मिलेगा कि अपीयरिंग को मौका नहीं मिलेगा। आप सीटेट पास करिए, और जो छात्र पूछ रहे हैं 82 नंबर पर होगा या 90 नंबर पर होगा, आप लोग कोशिश करके 90 नंबर लाइए, 82 का झंझट ही आप खत्म कर दीजिए। तो अगर आपको सीटेट की तैयारी करनी है तो सीटेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने परीक्षा वीर यूट्यूब चैनल का लिंक दे दिया है, वहां से जाकर आप लोग सीडीपी, ईवीएस, मैथ्स, पेडागॉजी सारी क्लासेस बिल्कुल फ्री कर सकते, उसके लिए भी मैंने लिंक दे दिया है। तो तुरंत इस वीडियो को देखने के बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर परीक्षा वीर यूट्यूब चैनल की लिंक मिलेगी, वहां से जाकर सारी क्लासेस आप बिल्कुल फ्री देख सकते हैं, ठीक है। तो बाकी जो भी छात्र अपीयरिंग वाले हैं उन लोगों के लिए यही है एक अच्छी खबर, हम नहीं कहेंगे और अच्छी बात भी नहीं है, क्योंकि बीपीएससी के चेयरमैन से जब भी यह पूछा जाता है अपीयरिंग को लेकर के वो मुंह घुमा लेते हैं और कुछ भी बोलने से बचते हैं। तो फिलहाल आप लोगों को बता दूं कि जो परीक्षा की डेट है वो भी नहीं बदलेगी, वो 7 दिसंबर को भी परीक्षा होगी और अंतिम तिथि फिलहाल रजिस्ट्रेशन की मेरे हिसाब से नहीं होगी, 20 तारीख तक जो है यहां पर मेंटेनेंस का काम है और कल शाम से आप लोग अपना फॉर्म भर पाएंगे। बाकी अगर आप चाहते हो कि सर किसी टॉपिक पर आप वीडियो बनाए जो आपका सबसे बड़ा डाउट है, तो उसके लिए आप कमेंट कर दीजिए, उस टॉपिक पर वीडियो हम आपको बनाकर जरूर दे देंगे। फिलहाल आज इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच है, मैंने पीछे लगा भी दिया है, आप परेशान भी होंगे कि सर आज जो है ये काहे फोटो लगी हुई है, इंडियन टीम की काहे फोटो लगी है, तो आज पता है कि आज वर्ल्ड कप का फाइनल है और सभी लोग दुआ करते हैं कि आज वर्ल्ड कप जो है इंडिया जीते, ठीक है। फिलहाल आप भी एक बार जरूर लिख दीजिए, जय हो, जय हिंद।